हाँ तो भैया वी आर इन उमरकोट। तो सबसे पहले तो यहाँ आए कैसे? कहानी शुरू होती है कल सुबह 7:30 बजे। हमने हैदराबाद पे नाश्ता किया, साढ़े 11 बजे उमरकोट के आउटस्कर्ट्स में हमने एक स्टॉप लिया छोटा सा। टाइम तो बहुत जल्दी है, 11:30 बजे, इट्स टू अर्ली, लेकिन अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, खाया पी रहे हैं, फिर पहुँचेंगे स्नैक्स टाइम। तकरीबन 1 बजे तक वी अराइव्ड इन उमरकोट। आपको पता है पिछले साल भी हम इसी टाइम पे यहाँ पे आए थे उमरकोट और इसी गेस्ट हाउस में रुके थे, तो व्हाई नॉट गिव यू अ टूर ऑफ दिस गेस्ट हाउस। अच्छी बात है तो दैट्स दैट एसी, जो कि इतना अच्छा लगता है क्योंकि बाहर एक्सट्रीम गर्मी है और उसके अंदर भी दिस थिंग वर्क्स अमेजिंगली और यहाँ पर फुल चिल्ड है। दिस इज द ड्रेसिंग एरिया विद द व्यू ऑफ द गार्डन, वॉशरूम, एक टीवी, फ्रिज और ये है बेड, एक इंटरकॉम। हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। उसके बाद हम गए उमरकोट को एक्सप्लोर करने। बाहर जाने से पहले तैयार होना पड़ता है और किसी अजीम शख्स ने कहा था कि मैन इन सिंध ड्रेस लाइक सिंधीज डू। दे ताली, तेरी गुई है काली, मेरी नर्सी से मैट्रिक की डिग्रियां सब जाली, मेरे पटाने का अंदाज कुछ अलग, छोरी चल तो सही, तुझे दिखाता हूँ मरा। मेरे पास स्टैंड गार्ड्स हैं ऑलवेज रेडी, झूठा केस बना कर तुझे बना दूंगा कैदी, जेल में होगा तो चलाएगा नहीं, छोरा साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। फोर्ट देखा था, मगर इस साल हमने सोचा कि थोड़ा सा और आगे जाते, थोड़ा सा और आगे चीज देखते, तो वी वेंट टू माता मंदिर। फरवरी में पूरा मेला लगता है और इंडिया से पूरे हिंदू आते हैं। पत्थर तो ये कुदरती नेचर ही निकला हुआ है, 5-6 हज़ार साल पुराना है। अच्छा, और एक गाय आती थी जब दूध पिलाती थी, जिसकी गाय थी ना वो रोज पर मेरी गाय को कौन दूध दे देता है, पीछा किया तो जंगल में लेता है। फिर बड़े 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 साधु लोगों ने उनको अपने जॉब के जरिए से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया देखते गंदगी कितना ऊपर है। ये जो है ना, कहते हैं कि एक मुसलमान ने बनाया था पहले, कच्चा बनाया था, शेप यही था, उसको औलाद नहीं हो रही थी, उसने कहा कि ऐसा तू मेरे को औलाद है, कुदरती उसको हो गया, उसने ये मंदिर का बनाया था। यहाँ पे मंदिर है जिसकी डोनेशन इंडिया से आई थी लेकिन बना पाकिस्तान में। मैंने पीसी में काम किया वहाँ, 2002 में मैं रिटायर होकर इधर आया, फिर 2007 में पीसिया का गोसिया का बुनियाद रखा 3 कमरों से। ओके, आज उसके बाद 32-30 कमरे हैं और सारा सिस्टम मैंने संभाला है। उसके बाद हम गए शिव मंदिर। जा रहे हैं ना जो आदमी, हिंगलाज यहाँ पर आई थी,
कीलाज माता का ये स्थान है, स्थान है ठीक। तकरीबन जो इधर आए ना 500-600 साल हो गए। ये जो हमारा गांव है इसमें चारण रहते हैं। चारण जैसे अपनों में से सैयद होती है जात, ऐसे जो है इन्हों में जो चारण होते हैं। ये औलाद है इनकी, माता की औलाद। तो ये जो बैठे हैं इधर वो उनकी औलाद है, गादी नशीन है यहाँ का, वो गणेश टाइप है। दाई का भाड़ा भाव अल्लाह जो को है वो दिंदु है बिल्कुल, ठीक है ना। If you come to Umarkot, you have to see these things and this culture. मुसलमान हिंदूज दोनों रहते हैं और दोनों मिल बांट के रहते हैं ऐसी जगह पे, और वही इस जगह के अंदर खूबी है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें ऐसे छोटे छोटे शहरों से सीखने को मिलती है, और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे आपको गलत न्यूज़ दी जाती है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है विच इज़ रॉन्ग। और जब आप ऐसे शहरों में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दो बड़ी बड़ी कौमें भी ऐसे ब्रदरहुड और पीस के साथ रह सकती है। भी है गांव में होती है, बारिश बारिश में होती है, कुछ भी नहीं होता है, ये कुदरती हो जाए अल्लाह की तरफ। आप 5-6 साल पहले आते हैं यहाँ पे तो ड्रफ चल रहा था, सारी ज़मीनें बंजर थी। माशाल्लाह 2-3 सालों से ज़मीन इतनी फर्टाइल हो गई है क्योंकि इतनी बारिश हुई है, लोग अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लांटेशन हुई हुई है, फिश फार्मिंग शुरू हो गई है क्योंकि मीठा पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक दे आर इम्प्रूविंग, दे आर डेवलपिंग। अब इसको बंद कैसे करूं मैं। हाँ तो भैया दैट वाज इट फॉर दिस ट्रिप, और बहुत मज़ा आया इस गेस्ट हाउस में। स्पेशली यहाँ पे जो मेहमान नवाजी थी वो उसका मैं फ़ैन हो गया। तकरीबन 4 बज रहे हैं और अब हम निकलेंगे कराची के लिए। 5.5 घंटे का रास्ता है, तकरीबन आई गेस 9-10 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। This vlog, अगर आपको पसंद आया तो make sure to like, share, subscribe, and I will see you guys in the next vlog. Allah Hafiz.